हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एलजी हमेशा से कुछ नया इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे आगे रहता है। जैसे कि लास्ट ईयर एलजी ने एलजी G5 लॉन्च किया था। एलजी एक मॉड्यूलर स्मार्टफोन था G5, जो मार्केट में इतना सक्सेस नहीं हुआ, पर मुझे लगा शायद सक्सेस हो जाए क्योंकि उसके कुछ नए नए चीज वो लेके आया था। और मैंने ये परचेज भी किया था 52,000 में, पर क्या बताओ दोस्तों, 5 से 10 दिन के बाद उसके प्राइस ड्रॉप हो गए। हाँ, 47,000 हो गए और धीरे 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 अभी 40,000 में मिल रहे हैं। तो वो फोन मार्केट में फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर उसके कंपटीशन में था सैमसंग का S7H, जो उसके जो प्राइस रेंज है 56,000, उसमें वो सब कुछ देता था जो एलजी G5 नहीं दे सकता था। क्योंकि अगर आपको एलजी G5 आप लेते थे, तो आपको अलग से उसके सारे मॉड्यूलर लेना पड़ते थे, अलग परचेस करने पड़ते थे, जिस हिसाब से वो फोन फ्लॉप हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद एलजी हार नहीं माना। उसके बाद एलजी ने एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया, एलजी V20, जो V10 सक्सेसर का मॉडल था। और उसमें एलजी V20 में दो डिस्प्ले था, एक सेकेंडरी डिस्प्ले, एक ऊपर नोटिफिकेशन के लिए और दूसरा डिस्प्ले नॉर्मल यूज के लिए। पर दोस्तों, वो फोन काफी बेस्ट था, काफी टफ था, और साथ में उसमें रिमूवेबल बैटरी का सिस्टम भी दिया गया था, जिस वजह से अगर आपका बैटरी हीट होता है तो आप बैटरी निकाल सकते थे। अगर बाई चांस खुद भी प्रॉब्लम हो तो बैटरी निकाल के आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते थे। तो इस हिसाब से वो फोन सबसे बेस्ट था। अब बात करते हैं एलजी V30 की। इवान ब्लास ने एक लीक किया है, एलजी का एक ये स्मार्टफोन आपको दिखा रहा हूं मैं। ये काफी मॉड्यूलर स्मार्टफोन नहीं बोल सकते इसको, बट यहाँ पे एक नया इम्प्लीमेंट किया है कि यहाँ पे भी आपको दो डिस्प्ले मिलेंगे, एक तो उसके स्क्रीन में और दूसरा उसके स्लाइडर में। हाँ दोस्तों, ये कुछ नया इम्प्लीमेंट किया है एलजी ने इस बार। और मुझे पता है कि हमेशा एलजी ये सब चीज के लिए सबसे आगे रहता है। और उसको आप देखें, अगर आप स्लाइड करेंगे तो ऊपर भी स्क्रीन, वो जो स्लाइडर है उसके अंदर भी स्क्रीन। तो दोस्तों, ये एक बहुत बेस्ट फोन होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और साथ में यहाँ पे आपको OLED का डिस्प्ले का टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा। तो ये फोन का जो लीक हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके सारे इमेज आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलेगा, जो एक 1.8 एपेचर या 1.7 एपेचर के साथ आ सकता है। और आप फ्रंट कैमरा की बात करें तो वहां पे भी आपको डुअल कैमरा मिलेगा 8-8 मेगापिक्सल का। यहाँ पे एलजी ने बैटरी में भी कुछ अच्छा किया है, जैसे कि 5500 mAh का बैटरी आपको देने वाला है एलजी। तो ये सबसे बेस्ट है। देखते हैं ये जो लीक हुए हैं क्या ये सही है या नहीं। पर आपको बता दूं कि इवन प्लस जो भी फोन के लीक करते हैं वो 101% करेक्ट होते हैं। जैसे iPhone 7 Plus के लिए उन्होंने लीक किया था, Samsung Galaxy S8 Plus के लिए लीक किया था, और रिसेंटली अभी LG V30 के लिए लीक किया है। तो मुझे यकीन है कि ये फोन जो है वो ऐसा ही दिखने वाला है। स्पेसिफिकेशन की और बात करें तो यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन काफी ज्यादा मिलेगा, साथ में स्नैपड्रैगन की 835 प्रोसेसर मिलेगी, 4 GB की रैम मिलेगी और शायद 6 GB की रैम भी हो सकती है। तो ये कुछ बात थी LG V30 के बारे में। आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इतना एक चीज आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम और आगे बढ़े इस फील्ड में। तो आप सबका दुआ हमारे साथ रहे, हम ये चाहते हैं। तो आप हमारे ब्लेसिंग से हमें ब्लेस कीजिए। हम अलविदा कहते हैं अभी आपसे, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।